बुधवार को मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे तराई किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष दानिश पाशा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। इस मांग पत्र में ये कहा गया है कि कुंदरकी से डिंगरपुर रोड तक हालात बहुत खराब हैं और सड़क के खराब होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनेक योजना के माध्यम से वहां पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसकी वजह से वहां समस्याएं खड़ी हो रही हैं। साथ ही किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कराया जाए। तराई किसान संगठन के जिलाध्यक्ष दानिश पाशा ने सिटी चैनल संवाददाता को ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बताया। सर, ये कौन सा संगठन से आप आए हैं और क्या मांगे आप? ये तराई किसान संगठन है हमारा। मांग हमारी ये है, हमने 4-5 ज्ञापन ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर दिए थे, परंतु उसमें किसी भी हमारी मांग को लेकर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई और ना ही किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारी जो मेन समस्याएं हैं वो एक तो साफ सफाई के लिए हैं, और एक रास्ता हमारा ऐसा है उसमें कम से कम 15-20 परिवार रहते हैं और निकलने के लिए ये मानो बिल्कुल जगह नहीं है, और बारिश की वजह से तो वो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और ये NKG कंपनी को जो टेंडर ठेका दिया गया था ये पाइपलाइन बिछाने वाला पेयजल स्वास्थ्य योजना के तहत, तो इसमें जो बीच पहले तो इसका ये था 3 फीट गहराई में दबा गया, उसकी सड़क की मरम्मत करनी थी, मगर इन्होंने वो ऐसी मिट्टी से दाब दिया, अब बारिश की वजह से उसमें इतनी कीचड़ हर रास्ते में हो गई है, और एक ही गाँव में ये हर गाँव की समस्या। तो आज आपने कहाँ ज्ञापन दिया? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है।